हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट जॉर्ज ऑरवेल एज अ नॉवलिस्ट। ओके, आज हम जॉर्ज ऑरवेल के बारे में बात करेंगे। जॉर्ज ऑरवेल इज नाउ कंसिडर्ड एज अ ग्रेट नॉवलिस्ट। देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ जॉर्ज ऑरवेल एज अ नॉवलिस्ट विच कैन बी समड अप एज अंडर। देखिए, जॉर्ज ऑरवेल जो हैं वो एक पॉलिटिकल नॉवलिस्ट हैं। हिज नॉवेल्स हैव बीन रिटन विद अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। उनके जो नॉवेल्स लिखे हुए हैं वो सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड में लिखे हुए हैं। ही हिमसेल्फ हैज रिटन अबाउट एनिमल फार्म दैट। उन्होंने एक एनिमल फार्म लिखा है। इट इज़ द ओनली वन ऑफ माई बुक्स आई रियली सेट इट ओवर एंड दैट इट इज द फर्स्ट बुक इन विच आई ट्राइड विद फुल कॉन्शियसनेस ऑफ वॉट आई वॉज डूइंग टू फ्यूज पोलिटिकल एंड आर्टिस्टिक पर्पज इन टू वन होल। इन हिज अदर नॉवेल्स ऑल्सो द थीम एंड ट्रीटमेंट वेयर पॉलिटिकल ओवरटोन्स। फॉर एग्जाम्पल, इन 1984 ही राइट्स विद अ पॉलिटिकल एंड इन माइंड। थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी देखते हैं। बॉर्न इन 1903 इन इंडिया। इनका जन्म 1903 में इंडिया में हुआ। स्टडीड एट सेंट साइपेरियन कॉलेज एंड ईटन इन ब्रिटेन। ज्वाइन टू इंडियन इम्पीरियल पुलिस। कम बैक टू लंदन देन टू पेरिस। मैरिड इलियन इन 1936 इन लंदन। इनके ये वर्क्स हैं 1984 और एनिमल फार्म इनका ज़्यादा फेमस नॉवल रहे हैं। कमिंग अप फॉर एयर एंड बर्मीज डे। पॉइंट ऑफ व्यू। टोटल लिटरेनिज्म मेक पीपल टू थिंक एज द गवर्नमेंट एंड डू नॉट अलाउ देम टू थिंक इंडिविजुअली। द बेस्ट वे टू कंट्रोल पीपल माइंड इज द सोशल एंड साइकोलॉजिकल वे। People is controlled by India, double think, the language is going down, becoming ragu to hide wet truth. He was opposed to a communistic system. Communistic system of society. Winston Smith, the hero of the novel, is the mouthpiece of Orwell, who dislikes the society in which there is no freedom, no joy, even the simple pleasures like love and sex and marriage. Julia in the same novel dislikes a regimented society. Orwell disliked fascism and dictatorship. Winston's dislike of Big Brothers, Orwell's dislike for a dictator. In Animal Farm, too, Napoleon's dictatorship is disliked by other animals. The struggle for power between Snowball and Napoleon is a struggle between the capitalism and communism. Books are in ki Animal Farm or 1984. एनिमल फार्म पब्लिश हुई 1945 में। ये एक एलिग्रिकल नॉवेल है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, वन ऑफ द 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स फॉर द टाइम। वॉन द ह्यूगो अवार्ड। ओके, एनिमल फार्म वॉज पब्लिश्ड ऑन द हील्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड।
In England in 1945 and in the United States in 1946, and is a satire on equality, where all barnyard animals live free from their human masters. Tyranny inspired to reveal by Major and Old War animals on Mr. Jones. Farm embrace animalism and stage a revolution to achieve an idealistic state of justice and progress. After achieving independence, a power-hungry pig, Napoleon, becomes a dictator who leads the animal farm. All animals are equal, but some are more equal than others. Operation. The beauty of this book as a teaching tool is that it can be read and enjoyed by all ages. Young students may think it is just a book about farm animals, while older students can be encouraged to examine the complexities of how the book relates to social situations. किनको जो अवार्ड मिले हैं एनिमल फार्म पर मिला है अवार्ड, टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ द 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स 1923 टू 2005, 31st ऑन द मॉडर्न लाइब्रेरी लिस्ट ऑफ बेस्ट 20th सेंचुरी नॉवेल्स रेट्रोस्पेक्टिव हो अवार्ड इन 1996, ओरिजिनल सेवन लॉ ऑफ एनिमलिज्म, एनिमल फार्म में जो सात नियम बनाए गए थे वो इस तरीके से हैं, वॉट एवर गोज अपॉन टू लेग्स इज एन एनिमी, यानी जो कि दो पैरों से चलेगा वो हमारा शत्रु होगा, वॉट एवर गोज अपॉन फोर लेग्स और हैज विंग्स इज अ फ्रेंड, और जिस जो चार पैरों से जाएगा या फिर जिसके पंख होंगे वो हमारा फ्रेंड होगा, नो एनिमल शैल वियर क्लॉथ्स, कोई भी एनिमल कपड़े नहीं पहनेगा, नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड, कोई भी एनिमल बेड पर नहीं सोएगा, नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल नहीं पिएगा, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, और कोई दूसरे को नहीं मारेगा, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, इन्होंने कहा था जो एनिमल फार्म में सारे पिग्स ने जो रूल्स बनाए थे उसमें ये कहा गया था कि सारे एनिमल्स इक्वल हैं। ऑलवेल ऑन राइटिंग एनिमल फार्म, इन्होंने लिखा है एनिमल फार्म के लिए, आई सा अ लिटिल बॉय परहैप्स 10 years old ड्राइविंग अ हु कार्ट हॉर्स अलोंग अ नैरो पथ, व्हिपिंग इट व्हेनेवर इट ट्राई टू टर्न, इट स्टक मी दैट इफ ओनली सच एनिमल्स बिकेम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ वी शुड हैव नो पावर ओवर दैम एंड दैट मैन एक्सप्लोइट एनिमल्स इन मच द सेम वे एज द रिच एक्सप्लोइट द प्रोलेटेरियट। अबाउट द ऑथर Eric Blair, इनका पूरा नाम क्या था, Eric Blair, बिफोर चेंजिंग हिज नेम इन 1933 टू जॉर्ज ऑरवेल, वॉज बॉर्न इन 1903 इन मोतीहारी इंडिया एंड हिज मदर ब्रोट हिम टू इंग्लैंड व्हेन ही वॉज वन, फ्रॉम 1917 टू 1921 Orwell was schooled and was a King's Scholar at Eton College and formed lifelong friendships with a number of British intellectuals. After finishing Eton and having insufficient funds to pay his tuition, Orwell joined the Indian Imperial Police in Burma. In 1928, he resigned from that position.
He had grown to hate imperialism and wrote about his time in Burma in Burmese Day, published in 1934. At this point, Orwell lived for several years in poverty, as he recalls in the book Down and Out in Paris and London. He found work as a school teacher because of health problems. He was forced to leave teaching and worked part-time as an assistant in a second-hand bookstore. Another thing important about George Orwell as a novelist is his satiric vein or treatment. Orwell satirizes systems and customs through his characters. He was, in fact, a great votary of individual freedom. Any society which does not permit individual freedom to man is a cruel society. Most famous work, Animal Farm, 1945, mein likha hai, wrote it to expose Stalin's perversion of socialism, immediate commercial success. 1984 जो है इनका famous work रहा है, his final novel. Grim vision of future society, Big Brother is watching, controlling, all considered a masterpiece. इनकी कोटेशंस कुछ रही हैं जो एनिमल फार्म की हैं. ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. ऑल द वॉर प्रोपेगेंडा, ऑल द स्क्रीमिंग एंड लाइज एंड हेटर्ड कम्स इनवेरिएबली फ्रॉम पीपल हु आर नॉट फाइटिंग. एट 50 एवरीवन हैज द फेस ही डिजर्व्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.